हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन पे एक हिट कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो बहुत आराम से मिल जाएं। और आपको मेरे जो टॉपिक्स हैं वो कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक ये है कि मेहंदी कोन को स्टोर डीप फ्रीज में करने के बाद उसे हम कैसे यूज़ करें। जी हाँ, अगर आप कोई सी भी मेहंदी डीप फ्रीज में स्टोर करेंगे तो बहुत आसान बात है कि वो सख्त हो जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी, बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है। और कभी कभी हमको बहुत दिक्कत होती है, मगर सही तरीका जानते हैं तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और बताऊँगी भी कि कैसे आप फ्रोज़न मेहंदी कोन को नॉर्मल मेहंदी में ट्रांसफ़र करते हैं। मेहंदी को प्रॉपर कलर रखने के लिए क्या क्या करते हैं, तो ये वीडियो जो है ज़रूर से देखिएगा। उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं बताऊंगी एक फ्रोज़न मेहंदी कोन को डायरेक्टली डीप फ्रीज से निकाल के आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको काम रहे तो आप अपनी मेहंदी को जो है कम से कम 1 से 2 घंटा पहले निकाल लें और उसको ही यूज़ करें। 1 से 2 घंटा पहले क्यों बोल रहे हो निकालने के लिए, क्योंकि आप जब तक काम में जाएंगी तब तक आपकी जो मेहंदी होगी वो बहुत आसानी से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। और तो और आपकी जो मेहंदी रहेगी जो वापस फ्रेश मोड में आ जाएगी, जैसे आपने फ्रेश बना के उसे डीप फ्रीज में डाला था वो वैसे ही आएगी। आपको मेहंदी करने में बहुत आसानी होगी। तो जब भी कभी आप डीप फ्रीज में कोई सी भी मेहंदी स्टोर करें, चाहे वो मार्केट से ख़रीदी हुई मेहंदी क्यों ना हो, उसे प्लीज़ 1 से 2 घंटा पहले बाहर निकाल लें और उसे नॉर्मल होने दें, और उससे आप आराम से परफेक्ट काम कर सकते हैं। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। बाय।